सबको विश करते हैं हैप्पी दिवाली, तो क्यों ना इस बार हम हैप्पी दिवाली के साथ हेल्दी दिवाली मनाएं। हम सबको हेल्दी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के लिए उनको प्रेरित करें। हम घर पे जो पकवान बनाते हैं वो हेल्दी तरीके से बनाएं। हम बाहर से या घर पे हम जो पकवान बनाते हैं ज़्यादातर ऑयली होता है और मैदे से बनी हुई चीज़ें रहती हैं। जो रिफाइंड अनाज होते हैं उससे हम बनाते हैं। ये हम सब जानते हैं कि रिफाइंड अनाज, मैदा, ऑयली, डालडा, जो तेल होता है, कितना हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। जो मार्केट से हम मिठाइयाँ खरीदते हैं वो मिठाइयों में न जाने किस प्रकार की मिलावटें होती हैं, जो काफ़ी हद तक हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो इस बार हम कुछ हेल्दी करते हैं। हम अपने इस दिवाली की जो पकवान बनाने की विधि है उसको हेल्दी तरीके से बनाते हैं। तो इस समय हम अलसी के लड्डू बना सकते हैं हेल्दी पकवान में, काजू रोल बना सकते हैं, अंजीर रोल बना सकते हैं। इसमें तो ऐसा है कि आप बिना शुगर की भी जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पे हम बना सकते हैं। अंजीर तो ऑलरेडी हल्का स्वीट होता है, खजूर भी स्वीट होता है, तो इसमें हम बिना शक्कर डाले ही बहुत हेल्दी तरीके से इसकी मिठाइयाँ हम बना सकते हैं। अगर हम नमकीन में जाएँ तो नमकीन में हम जो मार्केट का जो सेव भुजिया होता है उसके बजाय जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हल्का रोस्ट करके उसी को हम नमकीन पकवान के रूप में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कितना हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें आप मखाना और बादाम, नट्स, ये सारी चीज़ें रोस्ट करके और थोड़ा सा चटपटा आपको टेस्ट लाना है तो उसमें चाट मसाला इंक्लूड करके एक अच्छा हेल्दी नमकीन पकवान बना सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उससे भी अच्छे अच्छे प्रकार के हेल्दी तरीके से पकवान, जैसे कि हलवा है, स्मूदी है, और जैसे मुरब्बा जैसा है तो पपीते का रायता है, पपीते की मिठाई भी आप बना सकते हैं कच्चे पपीते की। तो फ्रूट्स का भी आप यूज़ करके मीठी चीज़ें हमारे जो दिवाली की पकवान है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इस भाग दौड़ में हम देखते हैं दिवाली जो त्यौहार के भाग दौड़ में हम अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम दिन भर या तो भूखे हो पाते हैं, भूखे रह जाते हैं, और जब खाते हैं तो एक साथ पूरा खाना खा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे खाने की, क्योंकि हम जब मिठाई देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो कैसे हम अपने इस क्रेविंग को कंट्रोल करें, तो थोड़ा सा हमको अपने आप को धैर्य रखना रहेगा। अगर हमको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो उस समय आप पानी पी के अच्छे से 1 से 2 ग्लास पानी पी के अपने क्रेविंग को कम कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ चटपटा आप खा लीजिए तो मीठे खाने की क्रेविंग आपकी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आप कुछ मिठाई आपको खाना ही है तो उससे पहले आप फ्रूट्स या वेजिटेबल सैलेड आप ले लीजिए तो आपकी मीठे खाने की क्रेविंग कम हो जाएगी। चौथी चीज़, आप कुछ बीटर जैसे कि जामुन है, हल्का सा कसैला होता है और ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, तो उनको मीठे खाने की क्रेविंग हो तो जामुन या जामुन की स्मूदी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा कुछ बीटर जैसे करेले का जूस है ना, ये करेले का टुकड़ा ही थोड़ा सा अपन खा लिए बॉइल करके तो भी हमारी मीठे खाने की जो क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम मीठे खाने की क्रेविंग को कम कर सकते हैं। और इस दिवाली हम अब जैसे कि हम हेल्दी करने वाले हैं तो हमको एकदम भूखे ना रह के एकदम से खाना नहीं खाना है। आप दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करें, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। अगर आप बिजी शेड्यूल में भी आप ये ले सकते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। साथ में आप चुकंदर गाजर की स्मूदी ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए। इस तरह की जो हेल्दी चीज़ें हैं आप अपने रूटीन में इंक्लूड करके भी हेल्दी दिवाली मना सकते हैं। रात में जो डिनर है आप लाइट रखिए, दिन में अगर आप हैवी कुछ खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिनर प्लान कीजिए। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस समय हमको पार्टियों में भी जाना पड़ता है, दिवाली पार्टी में, तो इस समय जो हमको बाहर की जो जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी है सोडा वाली ड्रिंक्स हैं, ये हमको प्रोवाइड करते हैं, तो उस समय आप थोड़ा सा अवॉइड करके या दूसरों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं। इसके बजाय आप लेमन वाटर, छाछ
नींबू पानी, नारियल पानी, वेजिटेबल स्मूदी, सबसे अच्छा तो गाजर, खीरा और चुकंदर की स्मूदी होती है जो हमको डिटॉक्स भी करता है। अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, स्किन के लिए अच्छा होता है। तो ये आप इस बीच आप दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम दूसरों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित ना करेंगे तो आगे वाला जो पर्सन है वो भी ये स्टार्ट नहीं करेगा। तो एक पहल हमको करनी ही पड़ेगी इस दिवाली हेल्दी बनाने के लिए। तो चलिए इस दिवाली को हैप्पी के साथ हेल्दी बनाते हैं। आप सभी को हमारे होरिजन हॉस्पिटल की फैमिली की तरफ से हैप्पी के साथ साथ हेल्दी दिवाली, शुभ दीपावली। रायपुर का हेल्थ कैपिटल होराइजन हॉस्पिटल।